सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके भी पास कोई लैपटॉप है और आपका लैपटॉप बहुत स्लो चलता है या आपका लैपटॉप हैंग करता है तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी का हमारी YouTube चैनल टेक्निकल फैजाबादी पे बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, अभी जो है हमारे पास ये एक लैपटॉप है जो कि डेल कंपनी का है और ये हमारा लैपटॉप बहुत ही स्लो चलता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी लैपटॉप के साथ प्रैक्टिकली करके बताएंगे कि आप भी अपने लैपटॉप का हाई स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, आपका लैपटॉप अगर स्लो चलता है या हैंग करता है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। चलिए फिर चलते हैं हम अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप पर और वहां से आपको बताते हैं कि आप अपने लैपटॉप का हाई स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, अगर आपका लैपटॉप हैंग करता है तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और अब हम यहाँ से बताते हैं कि आप अपने लैपटॉप का स्पीड कैसे तेज कर सकते हैं, अगर आपका लैपटॉप हैंग करता है तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे। उसके लिए हम जो है यहाँ पर अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर की प्रेस करेंगे। विंडो प्लस आर की प्रेस करने के बाद आप सभी लोग देखेंगे यहाँ पर आप सभी के सामने रन कमांड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हम क्लिक करके इस पर टाइप कर देंगे परसेंटेज टेम्प परसेंटेज। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद आप सभी लोग देखेंगे आप सभी के सामने इतना सारा फोल्डर आ रहा है, 1847 फोल्डर आ रहा है। इसी की वजह से हमारा लैपटॉप जो है बहुत स्लो चलता है। और आप सभी लोग देखेंगे अगर इस फोल्डर को ऑन करके तो यहाँ पर कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को यहाँ पर वायरस ही वायरस नज़र आएगा। इसी की वजह से हमारा जो लैपटॉप जो है एकदम से स्लोली स्लोली चलता है और कुछ भी काम करते हैं हम तो काम नहीं होता है जल्दी से। तो हमको करना कुछ नहीं है, बैक आना है। बैक आने के बाद कंट्रोल ए क्लिक करेंगे। कंट्रोल ए क्लिक करने के बाद हम यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे सारा का सारा और हम बैक आएंगे यहाँ से। सो गाइस, बैक आने के बाद अब हम फिर से यहाँ पर विंडो प्लस आर की का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। विंडो प्लस आर की क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फिर डाल देना प्रीफेच। प्रीफेच हमने डाल रखा है, फिर हम इस पर इंटर कर देंगे। तो गाइस, प्रीफेच के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप सभी लोग देखेंगे यहाँ पर फिर से आपको बहुत सारा वायरस देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पर आइटम दिखा रहा है, 482 आइटम दिखा रहा है। हो सकता है आप लोगों को ये सब बहुत छोटा छोटा दिख रहा हो, साफ ना दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पर हम साफ साफ देख रहे हैं 482 आइटम है। और इसको अगर नीचे लेके आते हैं फिर आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक फोल्डर दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर देखते हैं तो यहाँ पर भी वायरस ही वायरस भरा पड़ा है। इसको बैक आते हैं एक बार। बैक आने के बाद फिर हम यहाँ से कंट्रोल ए का बटन प्रेस करेंगे। कंट्रोल ए बटन प्रेस करने के बाद हम इसको डिलीट कर देंगे। तो गाइस, आप सभी लोग देख सकते हैं हमारा डिलीट हो चुका है और इसको हम यहां से स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद हमारा सारा का सारा डिलीट हो चुका है। अब हम यहां से बैक आ जाते हैं और अब जो है हमारा लैपटॉप पहले से बेहतर चलने लगेगा। सो गाइस, कुछ इस तरह से हम जो है अपने लैपटॉप का स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। और गाइस, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो ज़रूर करिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।